पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में फूटे पटाखे, लगे आजादी के नारे। जीत के बाद पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान की इस जीत का जश्न भारत में भी बना। उत्तरी कश्मीर में पहलहान में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। यहां कुछ युवाओं ने आजादी के नारे लगाए और पटाखे फोड़े। खबर है कि जैसे ही पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज ने विनिंग शॉट लगाया, वैसे ही कुछ युवा सड़क पर निकल आए और आजादी के समर्थन में नारे लगाने लगे। वहीं शोपियां जिले के चिलीपोरा सुगन क्षेत्र में भी आतंकियों ने हवा में गोलीबारी कर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। अलगावादी नेता मिरवाइज उमर फारूक ने भी पर ट्वीट किया। उन्होंने भी पाकिस्तान के खेल की तारीफ की और फाइनल के लिए बधाई दी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। टॉस हारने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 49.5 ओवर में महज 211 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान ने 212 रनों के लक्ष्य को अपना फखर जमा और अजहर अली के शानदार अर्धशतकों की मदद से 2 विकेट खोकर 37.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। फाइनल में भारत से हो सकता है मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हो सकता है। दूसरा सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को खेला जाएगा। ऐसे में अगर भारत जीतता है तो फाइनल में उसका सामना भारत से हो सकता है। वैसे लीग मैच में भारत पाकिस्तान को पटखनी दे चुका है।